फिल्मों में आने के लिए भी आपने घर से झगड़ा किया था, पैसे चुराए थे? पिताजी कमरे में आए और बोले, तू उस दिन कहाँ गया था जिस दिन तू बोला था पिकनिक पे गया था? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते तू पहले मेरी बात का जवाब दे। तो मैंने कहा मैं चंडीगढ़ गया था। क्या करने गया था? तो मैंने कहा वो मैं ऑडिशन देने गया था एक्टर बनने का। तो मेरी माँ बोली पैसे कहाँ से लाया था? तो मैंने कहा मम्मी मैंने आपके मंदिर से चोरी किए थे। माँ ने एक झांपड़ दिया, पिताजी मेरे तरफ बड़े। मैंने कहा पापा जी अब मैं कभी एक्टर नहीं बनूंगा, सॉरी मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं एक्टर नहीं, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क बन जाऊंगा। पिताजी बोले चुप कर, खड़ा हो जा, तेरा सिलेक्शन हो गया है। मेरी माँ बोले मेरा 100 रुपया, उसने कहा तू भी चुप कर, इसको 200 रुपये का स्टाइपेंड मिलने वाला, उसमें 100 रुपया तुमको दे देगा। लेकिन ये भी सच है कि स्कूल में डंडे बहुत पड़ते थे। स्कूल के ज़माने में मैंने इतने डंडे खाए हैं कि अगर भारत सरकार को पता लग जाए तो मुझे स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दे। अनुपम जी, जितने आपके विरोधी हैं जब आपकी बातें सुनते हैं तो ये कहते हैं ये सब आप सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप नरेंद्र मोदी का गुणगान करना चाहते हैं। सही कहते हैं सर, और अच्छा कहते हैं, और कहने देना चाहिए। आई एम बेटर ऑफ एज ए चमचा ऑफ मोदी देन ए बाल्टी ऑफ समबडी एल्स। लोग ये कहते हैं कि आपकी ये जो भावनाएं इसलिए हैं क्योंकि आपकी पत्नी किरण खेर भारतीय जनता पार्टी की मेंबर हैं, लोकसभा की MP हैं, हो सकता है आप इतना बोले तो उनको मंत्री बना दें। बट दिस इज अगेन द चार्ज ऑफ द पीपल हु वांट मी टू बी डिफेंसिव, कि इस तरह बोल दो डिफेंसिव हो जाए। लेकिन सबसे ज्यादा शिकायत राहुल गांधी की है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। अरे सर, आज तो कोई भी आदमी खड़े होकर बोल सकता है नरेंद्र मोदी चुनौती देता है। अल्लाह आप ये शो कर रहे हैं, कोई माइकल लाल करके दिखा दे कि मैं भी आपकी अदालत कराऊंगा, करा सकता कि नहीं कर सकता?